आखिर साउथ इंडिया में कभी भूकंप क्यों नहीं आता, और आज आप एक ऐसी ट्रिक जानने वाले हैं जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आप भी देखते ही देखते सक्सेसफुल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर भारतीय पायलट कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है चटक और मसालेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, आपकी भी सोसाइटी में कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन एक चुगलखोर आंटी ऐसी जरूर होगी जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, और वो होता है अच्छे खासे चल रहे घर में आग लगा दो, बच्चों की पिटाई करवा दो, उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करा दो और लोगों को आपस में भिड़वा दो। कहने का मतलब ये है कि ये चुगलखोर प्रजाति इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि लोग इनसे ऐसे डरते हैं कि मानो ये कोई आंटी नहीं बल्कि तिवारी जी के घर की घंटी हो। गाइज, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हमारी मेडिकल साइंस भी अब खुद इस बात को मान चुकी है कि जो इंसान ज्यादा गॉसिप करते हैं या दूसरों की चुगलियां करते हैं, उनके ब्रेन नॉर्मल ब्रेन के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी होते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ना सिर्फ हम दूसरे लोगों से ज्यादा बातें करते हैं बल्कि उनकी गॉसिप को अप्रिशिएट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में डोपामाइन ज्यादा बड़े स्केल पर रिलीज होता है। और जब ये चीज लगातार कई दिनों तक होती हुई चली जाती है तो एक टाइम के बाद स्ट्रेस को मैनेज करने की हमारी ब्रेन की कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और एज अ रिजल्ट वो इंसान दिमागी तौर पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप लगातार दूसरों की गॉसिप करते हैं तो इससे आपका ब्रेन तो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाता है, लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि जब लोगों की बद्दुआ लगती है तो शरीर उतना ही खराब। ओ भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। गाइस, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ने अभी हाल ही में एक ऐसा उच्च कोटि का कांड कर दिया है कि जिसके बाद खुद उनकी विद्युत फ्लक्चुएट करने लगी है। असल में उन्होंने अभी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड किया जिसमें वो एक ट्रेन के वैगन की ऊपर चढ़कर कुछ इस तरीके से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विद्युत भाई, छपरियों को फॉलो कर रहे हो क्या इंस्टाग्राम पर? अब गाइस देखो, यहाँ पर मैं कोई राय देने वाला बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस इंसान को इतनी बड़ी क्वांटिटी में यूथ और लोग फॉलो करते हैं, क्या उसे इस तरीके की वीडियो को अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो जरूर है। हालांकि इस पोस्ट के बाद जीआरपी मुंबई ने भी कुछ प्यार भरी बातें विद्युत सर के साथ शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ये सारी चीजें करना कितना ज्यादा गलत है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या ये स्टंट है या फिर छपरी बना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। गाइस, क्या आपकी जिंदगी भी राहुल बाबा की तरह हो चुकी है, यानी कि जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता? तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया तो आपकी लाइफ भी एक ही झटके में अर्जुन कपूर से सीधा रणबीर कपूर हो जाएगी। असल में गाइस, ये टेक्निक निकल कर आती है अर्थर वे से, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको डेली अपने राइट हैंड को अपनी आंखों के सामने लाना होगा, अपनी आंखों को बंद करना होगा और आप जो भी काम करते हैं उस काम को अपने हाथ में करता हुआ इमेजिन करना होगा। इसके बाद अपनी आंखों को खोलना है और यही सेम प्रोसेस अपने लेफ्ट साइड वाले हाथ के साथ करना है, जिसमें आपको बस इस बार ये इमेजिन करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप काफी ज्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी हैं। बेसिकली कहा ही जाता है कि अगर ये दोनों ही चीजों की प्रैक्टिस आप लगातार कुछ समय तक करते हुए चले जाते हैं तो सबकॉन्शियसली ये चीज आपको काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना देती है। और शायद इसलिए भी कहा जाता है कि सक्सेस हमारे बाएं हाथ का खेल होता है। तो गाइस, अगर आप भी मेहनत करने के साथ-साथ जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अर्थव वेद की इस ट्रिक को अपना सकते हैं। गाइस, नॉर्मली जब भी हमें चोट लगती है तो भैया सबसे पहले तो हम तांडव करना शुरू करते हैं, जिसके बाद हम हमारे टूटे-फूटे पुर्जों को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जहां पर वो उसको क्योर करने के बाद उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में आपको कभी भी नहीं दिखेगी ये पट्टी, क्योंकि आपकी गहरी से गहरी चोट सी करेगी लाल बत्ती। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं रेड लाइट थेरेपी की, जिसको कि साल 1967 में हंगरी के एक डॉक्टर एंड्रे मेस्टर ने तुक्के में ही डिस्कवर किया था, और तुक्के का मतलब एक्सीडेंटली। असल में गाइस, इस थेरेपी में अलग अलग वेवलेंथ की रेड लाइट्स को चोट के आसपास बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया इसे तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस के बाद ये चीज हमारे घाव की रिकवरी की स्पीड को लगभग 3 गुना तक बढ़ा देती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोसेस को इंसानों के ऊपर कंडक्ट करने से पहले इस चीज को घोड़ों के ऊपर ट्राई किया जा रहा है, एंड सरप्राइजिंगली ये चीज घोड़ों को इतनी जल्दी ठीक कर रही है जितना जल्दी तो डेडपूल भैया खुद को ना कर पाते। गाइस, नॉर्मली एक इंसान सरकारी नौकरी पाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाता है, लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बस एक रेड लाइट क्रॉस करनी है और आपको आपकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तो क्या आप मेरी इस गिलगिली बात पर विश्वास करेंगे? असल में गाइस, ये उच्च कोटि की सर्विस निकाली है देहरादून पुलिस ने, जो कि सुबह सुबह किसी भी ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले इंसान को घपचाकर उससे ही 4 घंटे चौराहे पर खड़ा कराकर ट्रैफिक को मैनेज करा देती है।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन चार घंटों में एक्चुअली में जो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल वहां पर होना चाहिए था भैया वो भी गायब हो जाता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की स्पेशल नौकरी पाने वाले लोगों से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो उन सभी का यही कहना होता है कि चार घंटे ये काम करने के बाद जब पुलिस वाले किसी दूसरे इंसान को घपचा कर उससे नौकरी करवाना शुरू करते हैं उसके बाद ही पहले वाले इंसान को घर वापस जाने दिया जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इससे उलट पुलिस का कुछ ऐसा कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस काम को इसलिए करती है ताकि जो इंसान चालान का फाइन भरने के लिए कैपेबल नहीं हो उन्हें भी अच्छे तरीके से ये काम करवाकर ट्रैफिक रूल की इंपॉर्टेंस को समझा दिया जाए। लेकिन मान्यवर जब आप काम लोगों से ही करा रहे हैं तो आपको सैलरी किस बात की दी जाए, जरा ये भी तो समझाएं। तो मौजी सटक ली है। मत समझाओ, जो चलिया बढ़िया है। गाइज आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि हमें काफी देर रखी हुई चाय या फिर कॉफी को कंज्यूम कभी भी नहीं करना चाहिए। पर क्यों? असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाय और कॉफी में कैफीन ठीक उसी तरीके से जबरदस्ती घुसी रहती है जैसे हमारे घर में कुछ अनचाहे रिश्तेदार, तो इस केस में अगर चाय और कॉफी को काफी देर रख कर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उनके अंदर मौजूद कैफीन कुछ इस तरीके से अपने कनेक्शन को बढ़ाने लगती है। एक्चुअली में ये कुछ और नहीं बल्कि कैफीन की ही कॉफी के अंदर की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है। अब इस केस में अगर चाय और कॉफी को ऐसे ही बनाकर काफी लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो इस सिचुएशन में कैफीन के यही कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उस केस में अगर आप चाय या फिर कॉफी को करते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी पर काफी ज्यादा नेगेटिव पड़ता है। लेकिन अगर आप चाय और कॉफी को बनते ही पी जाते हैं तो क्योंकि हमारे पेट के अंदर उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है तो कैफीन के कनेक्शन कभी भी बन ही नहीं पाते। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अगर आपको रखना है अपने पेट को हेल्दी और नरम तो चाय पीना हमेशा गर्मा गर्म। गाइज हमारी भारतीय संस्कृति में हाथ से खाना खाने को बहुत पहले से ही प्रेफरेंस दी जाती है लेकिन आज की डेट में अगर कोई भी इंसान इस काम को करता है तो उसे काफी ज्यादा अनपढ़, गवार या फिर पिछड़ा समझा जाता है जिसके चलते हुए जब हम हमारी संस्कृति को हमसे ही दूर उठाकर फेंकते हैं तो भैया वेस्टर्न कंट्री वाले उसे ऐसे घपचते हैं जैसे मानो वो शादी में बंटने वाला फ्री का पनीर हो। असल में गाइस अभी हाल ही में किए गए एक सर्वे से बात प्रूफ हो चुकी है कि अकेले यूएसए में ही फोक, स्पून या फिर नाइफ से खाना खाने का ट्रेंड काफी ज्यादा कम हुआ है क्योंकि अब वहां के लोग इन सारी चीजों की बजाय सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही खाना खाने को प्रेफर कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी हम हाथ का इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं तो ये चीज हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल भेजती है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रोडक्शन को हमारे मुंह और स्टमक के अंदर बढ़ा देता है जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं ना सिर्फ वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है बल्कि उसका पूरा निचोड़ भी हमारी बॉडी में लगता है और 99% केसेस में हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये सारी ही चीजें हमारी संस्कृति हमें कई सौ साल पहले बता चुकी है लेकिन फिर भी हम इन चीजों की कभी वैल्यू करते ही नहीं है एंड एक्चुअली में ये अपने आप में काफी ज्यादा गलत है। गाइस क्या आपको पता है कि रणवीर इलाहाबादियों को दिल्ली बुलाकर ऑफ कैमरा कुछ दिखाने और महसूस कराने के बाद अब हमारे हनी पाजी ने पूरी दुनिया को कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसे देखकर आपको और हमें सिर्फ एक ही चीज महसूस होगी कि भाई हम कितने गरीब रह गए। असल में गाइस अभी हाल ही में जब बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी 30 साल की हुई तो उनके बर्थडे पर हनी पाजी ने कुछ इस तरीके का 24 कैरेट का प्योर गोल्ड का केक ही उन्हें गिफ्ट कर दिया जिसकी अपने आप में ही कीमत 3 करोड़ रुपए थी। हालांकि जब से ये चीज हुई है तब से बहुत से फैंस ये बोल रहे हैं कि अगर इन 3 करोड़ रुपयों को किसी भी चैरिटी या फिर गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो उससे पता नहीं कितने ही लोगों का पेट भर जाता। लेकिन भैया हम क्या कह सकते हैं, उनका पैसा वो कैसे भी खर्च करें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये पैसा चैरिटी में देना चाहिए या फिर मस्त इसका केक ही काट लेना चाहिए था? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। और जाते जाते एक चीज बताऊं, ये हनी पाजी और टेक्निकल गुरु जी भैया ये दो ऐसे लोग हैं ना जो दूसरे इंसान को गरीब दिखाने का कोई मौका ना छोड़ते। गाइस क्या आपको पता है कि अब हमारे देश के होनहार बच्चों को अपने शरीर की अंधेरी जगह पर फर्रे और चीटिंग नोट्स छुपाने की कोई जरूरत नहीं है? अरे गाइस जब आगे से सीबीएसई बोर्ड खुद चीटिंग करने दे रहा है तो शरीर के उन हिस्सों को कागज घुसेड़कर काय को कष्ट देना। असल में गाइस सीबीएसई बोर्ड अब इंडिया के अंदर क्लास 9th से लेकर 12th तक ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल करने के बारे में सोच रहा है। बेसिकली इन तरीके के एग्जाम्स में आप अपने फर्रे, बुक्स और यहां तक कि नोट्स को भी अपने हाथों में रखकर बाइज्जत सेंटर के अंदर एंट्री ले सकते हैं और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देकर मस्त डेस्क पर खाने की पत्तल की तरह अपनी बुक्स और नोट्स को फैलाकर उनसे मस्त चीटिंग करते हुए अपने सभी आंसर को आंसर शीट के अंदर लिख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का ऐसा कहना है कि ऐसा करने से ना सिर्फ स्टूडेंट्स का मेंटल प्रेशर काफी ज्यादा कम होगा बल्कि उनकी चीजें रटने की आदत भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। हालांकि यही सेम पैटर्न पिछले काफी लंबे समय से नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जैसी कंट्रीज में भी होता हुआ चला आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं ये फैसिलिटी बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है तो बोर्ड एग्जाम से पहले अपनी किताबों को खोल लेना वरना सेंटर पर जाकर क्या क्या खुल जाएगा भैया किसी को पता तक ना चलेगा।
गाइज आपने भी हथौड़े के उस हिस्से को तो जरूर देखा होगा जिसे पकड़कर हम किसी भी चीज को ठोकते हैं। बेसिकली उस हिस्से को या तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है या फिर मेटल का, और इसलिए वो हिस्सा जाकिर भाई की तरह पूरे ही तरीके से सख्त होता है। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो चाइना के हथौड़े तो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं जितना तो हमारे रामदेव बाबा की बॉडी नहीं है। असल में गाइस चाइना के वैज्ञानिकों को जब फिजिक्स क्लास दी जा रही थी तो उनका ध्यान पढ़ाई से कहीं ज्यादा क्लास के बाहर बट रही फ्री की चमकादड़ की चटनी में था, जिसके चलते हुए इस कंट्री के वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरीके के फ्लेक्सिबल हैमर्स को ही बनाकर तैयार कर डाला है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहां के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि क्योंकि इस तरीके के हैमर्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं तो जैसे ही इसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट किया जाता है तो उसे जनरेट होने वाला इम्पैक्ट हाथों के ऊपर काफी ज्यादा कम पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस तरीके के हैमर का इस्तेमाल करते हुए कम लगाकर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को तेज स्पीड के साथ हिट किया जा सकता है, जो चीज सही तो है लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज कभी भी दूसरी कंट्रीज में नहीं की जाती। और इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि क्योंकि ये हैमर्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं तो कभी कभार तेज हिट करने की पोजीशन में ये हैमर ज्यादा बेंड होकर इसे चलाने वाले मजदूर को ही इंजर्ड कर सकते हैं, और इसलिए पूरी दुनिया में इन तरीके के हैमर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। लेकिन चाइना तो चाइना है, क्या फर्क पड़ता है अगर मजदूर के लग गई, भैया उसकी भी चटनी बनाकर खा जाएंगे। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी यार बीमारी भी मौजूद है जो एक इंसान की बॉडी को इतना हिलाती है जितना तो रणबीर बाबा अपनी बॉडी को नहीं हिलाते। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी की, जो कि एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है जो कि आपके ब्रेन में फॉल्स पेन सिग्नल्स को भेजती रहती है, जिसके चलते हुए किसी भी इंसान का कोई भी बॉडी पार्ट हर वक्त ही बुरी तरीके से हिलता रहता है। और उसी का ही जीता जाता है एग्जांपल यूएसए में रहने वाली जेसिका है, जिनका कि ये पैर कुछ इस तरीके से लगातार 24 घंटों तक अपने आप ही हिलता रहता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि आप चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले आप कभी भी इनके पैर को शांत कर ही नहीं सकते, और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जेसिका को रिलीफ देने के लिए उन्हें हर हफ्ते में एक बार बेहोश भी किया जाता है। और एक्चुअली में बीमारी अपने आप में कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। गाइस ये वाला फैक्ट सुनकर चीख जाएगा आपका ब्रेन, क्योंकि इंडिया में चल रही है बिना ड्राइवर की ट्रेन। अब देखो भूत वगैरह के नाम मत लेना, उन्हें क्यों बदनाम करना। असल में गाइस ये वाकया है जम्मू और कश्मीर के कठुआ का, जहां पर जब एक मालगाड़ी के लोकोमोटिव पायलट सुबह चाय नाश्ता खींचने स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने इंजन का हैंड ब्रेक ही नहीं खींचा। अब क्योंकि ट्रेन खड़ी हुई थी ऑन द ढलान तो नहीं कट पाया उसका चालान, और वो धनधनाकर ऐसी भागी कि उसको 70 किलोमीटर के बाद पंजाब के होशियारपुर जिले में होशियारी के साथ रोक लिया गया। वो तो शुक्र है कि इस पूरे ही रूट के बीच में कोई और पैसेंजर ट्रेन मौजूद ना थी, वरना अगर बाई चांस ये गाड़ी किसी और गाड़ी की ले लेती चुम्मी तो पता नहीं कितने लोगों को पट्टी बांधकर बन जाना पड़ता मम्मी। अबे पनीर की कचौड़ियों का नाश्ता था क्या? दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तरफ पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में देश के स्टार पहलवान संग्राम सिंह ने दुबई के अल हली क्लब में इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद सईद को 30-23 के स्कोर से हरा कर अपने नाम एक बड़ी जीत को कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। आखिर भारतीय पायलट कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? कैसे तुम सभी को पता है कि परफ्यूम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करने वाली ऐसी कॉमन सी चीज है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल इंसानों के साथ साथ सभी हाई प्रोफाइल लोग किसी भी ओकेशन या फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में करते हैं। लेकिन वही बात अगर इंडियन पायलट्स की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एक इंडियन पायलट चाहकर भी कभी भी परफ्यूम का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया ऐसा होता ही क्यों है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंडियन एविएशन रेगुलेटर DGCA के अकॉर्डिंग कोई भी पायलट या फिर क्रू मेंबर किसी भी तरीके के परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसके पीछे का एकमात्र कारण कुछ और नहीं बल्कि आपकी ही सेफ्टी है। असल में गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी पायलट ने किसी भी तरीके के अल्कोहल को कंज्यूम कर रखा है और वो पूरे तरीके से होश में नहीं है तो वो कभी भी एक सेफ फ्लाइट को फ्लाई कर ही नहीं सकता। और इसलिए ये पता लगाने के लिए कि क्या पायलट ने किसी भी तरीके के अल्कोहल को कंज्यूम किया है या फिर नहीं, हर एक फ्लाइट से पहले उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है, जिससे नॉर्मली ये पता चलता है कि उस पायलट ने पिछले कुछ घंटों में कोई ऐसी डिश या फिर ड्रिंक तो कंज्यूम नहीं की है जिसमें थोड़ा सा भी अल्कोहल मौजूद हो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि अगर ये रिजल्ट 0.0000 यानी कि इतने डिजिट तक सिर्फ जीरो ही रहता है तभी कोई भी पायलट या फिर क्रू मेंबर को एक प्लेन को फ्लाई करने की परमिशन दी जाती है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में आपने कोई माउथ वॉश का इस्तेमाल किया है या फिर किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का इस्तेमाल किया है तो क्योंकि इन दोनों ही चीजों में अल्कोहल काफी ज्यादा डाला जाता है तो कभी कभार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फॉल्स रीडिंग आने लगती है, जिसकी वजह से एक्चुअली में ये बता पाना कि क्या कुछ खाने की वजह से ऐसा हुआ है या फिर परफ्यूम की वजह से DGCA के लिए ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए पायलट की बॉडी का एग्जैक्ट अल्कोहल लेवल पता चल सके सभी पायलट्स को परफ्यूम ना लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस केस में अगर कोई भी पायलट पकड़ा जाता
जाता है तो 3 महीने के लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों कोई भी इंडियन पायलट परफ्यूम जैसी कॉमन चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता, आखिर साउथ इंडिया में कभी भूकंप क्यों नहीं आता। असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर अगर कभी भी आपने भूकंप की खबरों को सुना होगा तो उसमें 99% केसेस में एक भूकंप हमेशा ही आपको नॉर्थ इंडिया में ही तहलका मचाता हुआ नजर आया होगा। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर भूकंप साउथ इंडिया से ऐसा डरता ही क्यों है। असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारे देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन है। असल में गाइस आज से करोड़ों साल पहले साउथ इंडिया के नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी में ज्वालामुखी मौजूद हुआ करते थे जो टाइम टू टाइम फटते रहते थे। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब एक ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से मैग्मा बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होता है, जिसके चलते हुए साउथ इंडिया के सरफेस के ऊपर मैग्मा बहुत मोटी एक पत्थर की लेयर के रूप में जमा हो चुका है और उसी पत्थर के टुकड़े को हम और अब ग्रेनाइट के रूप में जानते हैं, जिसका कि इस्तेमाल हम घर या फिर बिल्डिंग को बनाने में करते भी हैं। तो गाइस अगर इस सिचुएशन में इंडिया के अंदर कोई भी अर्थक्वेक एंट्री लेता है तो क्योंकि साउथ इंडिया का जो रीजन है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत हार्ड मैग्मा पत्थर के रूप में जमा हुआ है तो वो सरफेस को इतना ज्यादा इंपैक्ट दे ही नहीं पाता और एज अ रिजल्ट साउथ इंडिया में आपको भूकंप का कहर या भूकंप की झटके बहुत ही ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि लातूर एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेनाइट की कमी है तो इकलौता साउथ इंडिया का एक ऐसा पार्ट बनता है जहां पर भूकंप अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई भी भूकंप इंडिया के अंदर एंट्री लेता है और अगर वो नॉर्थ साइड में अच्छा खासा तहलका मचाता है तब भी साउथ इंडिया में बहुत ही रेयर चांसेस में आपको उसके वाइब्रेशन तक फील होंगे। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों भूकंप साउथ इंडिया से इतना डरता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ध्यान से लाइक कर देना क्योंकि इस तरीके से फैक्ट बताने में मेरे पसीने छूट जाते हैं। मुझसे अगर इंटरेक्शन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।